सो हेलो फ्रेंड्स, द शॉपर्स से रिलेटेड और एक वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ प्रूफ्स दिखाने वाला। जैसे कि कुछ लोगों का मेरे को कमेंट्स आ रहा था कि मैं उनके पेमेंट्स आ गए और उनके प्रूफ भी है मेरे पास, तो मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कि पेमेंट आ रहे तो कैसे आ रहे, उन्हें क्या क्या करने पड़ रहे हैं या फिर क्या अपने आप आ जा रहा पेमेंट, सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और मैं हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका टेंशन है, डिप्रेशन है, वो थोड़ा कम हो जाए, तो मतलब इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। और आप देख रहे हैं टेक्नोटीन और आपको मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए ताकि हमसे रिलेटेड सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए, ठीक है। और वीडियो मैं आपको कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चन हमारे साथ कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मेरी तरफ से आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा या फिर एक हार्ट तो जरूर मिलेगा। और हो सकता है कुछ कमेंट्स मिस हो जाए तो उसके लिए माफ कर दीजिए, वो गलती से हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फ्रेंड्स, और एक चीज है, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो, उसमें अभी 63 सब्सक्राइबर्स है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। हम इस पे आपको अपडेट्स देते रहेंगे या फिर वीडियो जब भी अपलोड करूंगा, अगर आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता तो इसमें लिंक भी डाल दिया जाएगा, आप वहां से कर सकते हो। और द शॉपर से रिलेटेड भी अपडेट्स डालते रहेंगे और भी कुछ जो एप्स रहेंगे उससे भी रिलेटेड अपडेट यूट्यूब से पहले आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ जो प्रूफ मुझे दिखाना था। तो सबसे पहले एक चीज दिखाता हूँ, जो अगर आप अभी भी शॉपर से ऐप खोलते हो सेम न्यूज फ्लैश होता है, जो नोटिफिकेशन सेम चीज दिखाता है, कुछ नया फ्लैश नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें वही चीज दिखा रहा है कि विड्रॉल प्रोसेस कर दिया गया है और जो मतलब विड्रॉल प्रोसेस करके आपको बैंक को दे दिया गया, बैंक से अभी विड्रॉल प्रोसेसिंग में है, बहुत लोग पैसे लेकिन नहीं आए, ठीक है। और जो लोग के आए हैं, चलिए अब प्रूफ की बात करते हैं, ठीक है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो ये कुछ मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हैं कमेंट्स के, ठीक है, ये कमेंट्स है जो लोगों ने मुझे बताया कि उनके पेमेंट्स आ गए, ठीक है। एक है इंडिया ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है, आज हमारा पैसा अप्रूव हो गया और बैंक में पैसे क्रेडिट हो गए, आई एम सो हैप्पी, इनका पेमेंट आ गया, ठीक है। लेकिन जो भी मुझे बोल रहा है कि उनका पेमेंट आ जा रहा है, तो मैं उनको मतलब एज अ रिप्लाई लिख दे रहा हूँ कि कांग्रेट्स तो लिख ही दे रहा हूँ, लेकिन उसका पूछता भी हो, आप एज अ प्रूफ मुझे कहीं पे भी प्लीज भेज दीजिए, इंस्टा पे या फिर टेलीग्राम पे मुझे भेज दीजिए एज अ प्रूफ। तो ये जो इंडियन ऑनलाइन अर्निंग है, इनके तरफ से कोई भी प्रूफ मुझे नहीं आया, लेकिन देखते रहिए अभी प्रूफ, ठीक है। तो कोई भी प्रूफ इनके तरफ से नहीं आया, अब आगे देखते हैं। और एक है, ठीक है, मुझे टोटल 6 से 7 लोगों ने बताया उनका पेमेंट आया है, ठीक है, और उनमें से 2 लोगों ने मुझे प्रूफ भेजा है, ठीक है, ठीक है, चलिए। तो एक है शौकत अजीज, इन्होंने मुझे प्रूफ भेजा था, ठीक है, इन्होंने लिखा है ब्रो मेरे 20,000 आ गए कल शाम को, इफ यू वांट अ स्क्रीनशॉट आई विल सेंड यू। मतलब इन्होंने लिखा है कि अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं आपको भेज सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लीज ब्रो सेंड मी और अपना आईडी दे दिया इंस्टाग्राम, ठीक है। तो उन्होंने वहां पे मुझे सेंड भी किया था, आगे देखते रहिए, मैं इंस्टाग्राम में मतलब मैं आपको वो चैट्स बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। और एक है संदीप कुमार, उन्होंने भी मुझे लिखा था मेरा पेमेंट आ गया 15 फेब 4:30 बजे शाम को आया, ठीक है। एक्चुअली मैं जो न्यूज फ्लैश हो रहा था, जो विड्रॉल प्रोसेस कर दिया गया, वो 8 तारीख को फ्लैश हो रहा था, और मतलब 8 तारीख को फ्लैश हो रहा था और इनका 15 तारीख को इन्होंने बताया। और जो वो क्या बोलते हैं शौकत अजीज है, इनका भी 15 तारीख को ही आया है, इनका भी वही सेम डे में ही इन्होंने मुझे मैसेज किया है, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट बोलते हैं, देखिए मैं आपको और एक दिखाता हूँ, अक्षय कदम, ठीक है, मेरा आ गया भाई पैसे 50K, इनका 50,000 थे, इनके भी पैसे आ गए हैं, इनके आ गए हैं। कुछ लोगों ने पूछा आप क्या आप सच बोल रहे हो, तो ऐसे कुछ तो इन्होंने बोला सच्ची आ गया, मैंने इनसे बोला कि आप मुझे इंस्टा पे भेज दो, इंस्टा या टेलीग्राम पे मुझे भेज दो इसका कुछ प्रूफ, इनके तरफ से भी कुछ प्रूफ नहीं आया। लेकिन 2 जन के जिनके प्रूफ आया मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ये है शौकत अजीज, इनके प्रूफ आए थे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पहले वो स्क्रीनशॉट्स दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने मुझे मैसेज किया, ठीक है, हाय ब्रो करके, हाय ब्रो के नीचे इन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेज दिया था, वही पे इनका जो था पेयू से आया था मनी, वो पेयू से पेयू का था इनका आईडी, वो पेयू में ही इनका 16,000 आया था, जो कमीशन के पैसे थे वो नहीं आए, 16,000 आए, ठीक है, पेयू के थे, ठीक है। हाय ब्रो करके स्क्रीनशॉट भेजा था, लेकिन उन्होंने अनसेंड कर दिया, पता नहीं क्यों क्या प्रॉब्लम था, क्योंकि मैंने आगे भी इनसे पूछा इस बारे में, ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने स्क्रीनशॉट जैसे भेजा मैंने उन्हें पूछा, ठीक है, फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने अपने आप आ गया कि आपको कुछ करना भी पड़ा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, उन्होंने बोला कि मतलब यहाँ पे किया था उन्होंने ये कुछ कुछ मैसेज उन्होंने अनसेंड कर दिए, ठीक है, कुछ कुछ मैसेज आप जैसे कि देख सकते हो कमेंट में उन्होंने लिखा है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, ये वही है, इन्होंने मुझे भेजा भी था लेकिन अनसेंड कर दिया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, कोई बात नहीं,
ठीक है, मैंने उन्होंने बोला फिर से एक बार रिक्वेस्ट किया कि प्लीज भेज दीजिए, लेकिन फिर उन्होंने नहीं भेजा, पता नहीं क्या इशू। उन्होंने मुझे बोला कि अब तो मेरे पैसे आ गए, अब मुझे कोई झमेले में नहीं पड़ना, ऐसा कुछ बोल रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो उन्होंने फिर लिखा कि अपने आप, उन्होंने बोला कि अपने आप आ गया, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा। उन्होंने बोला कि आपने जो मेथड बताया था सोशल मीडिया का यूज करके, मैंने ट्राई किया, लेकिन उससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ। जी हाँ, फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग करते तब फायदा होता उससे, लेकिन जो मैंने बोला उस चीज को फॉलो बहुत कम लोगों ने किया। देखने के लिए तो भाई 5,000-6,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा है, वो जो मैंने बताया है, लेकिन उसमें से अप्लाई कुछ 30-40 लोगों ने भी नहीं किया होगा मेरे हिसाब से। रीट्वीट्स में अगर मैं देखने जाऊं तो 30-40 ट्वीट्स हुए थे, बहुत कम ट्वीट्स हुए थे। और अगर दूसरी बात, सॉरी 30-40 नहीं, 140 के 130 हुए थे, ठीक है, ऐसे ही कुछ ट्वीट्स हुए थे, तो उतने से कुछ फायदा होने वाला था नहीं। तो फ्रेंड्स, ये बात तो क्लियर है कि पैसे आ रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे पैसे आ रहे हैं। देखिए, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट जो भेजा था, पेयू की तरफ से उनको 16,000 रुपए आए हैं, 4,000 कमीशन कटा, 20,000 जो उन्होंने लिखा कमीशन कट के आया था। और प्लीज इस बात का आप लोग ट्रस्ट करिए, क्योंकि उन्होंने कमेंट में लिखा था अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट भेजना है। मैंने बोला हाँ, आप मुझे भेज दो मैसेज में, उन्होंने मुझे भेजा भी था, ठीक है, हेलो ब्रो, उनके तरफ से ही पहले मैसेज आया था और फिर उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था। इस बात का प्लीज आप लोग ट्रस्ट करिए, क्योंकि अभी वो स्क्रीनशॉट है नहीं, उन्होंने अनसेंड कर दिया, ठीक है। और अगर बात करें कि मतलब आपके पैसे आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है, तो देखिए एक बात है कि एक बंदा बोला ठीक है मैंने नहीं माना, आप मेरे पहले वाले वीडियो को भी देख सकते हो, एक ने मुझे बोला था कि मेरे पैसे आ गए, लेकिन मैंने ट्रस्ट नहीं किया, मैंने उनसे जो एविडेंस प्रूफ मांगा था उन्होंने मुझे कुछ प्रूफ दिया नहीं, ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला था कि क्या प्रूफ है कि उनके आए हैं नहीं आए, कोई नहीं जानता, ठीक है, एक बंदा बोला। फिर दो बंदा बोला, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे 7 लोग बोल दिए कि मेरे पैसे आए। अब तो मतलब है ना, लगता है कि कुछ पैसे आए, क्योंकि 7 लोग तो गलत नहीं बोलेंगे ना, 7 लोग बोले। देखिए क्या होता है एक्चुअल बात, देखिए आप समझने, बात को समझने की कोशिश करिए। देखिए जो कुछ लोगों के जो पैसे मिल रहे, हो सकता है 7 लोग जो बोले हैं, हो सकता है 70 या 700 लोगों को मिला हो, है ना, क्योंकि देखिए बात क्या है कि देखिए लोगों को जब पैसे, लोगों का प्रॉब्लम क्या है, उनके पैसे नहीं मिल रहे, ठीक है, और जब पैसे उनको मिल जाएंगे तो वीडियो ही क्यों देखेंगे, और वीडियो पे आके कमेंट ही क्यों करेंगे कि मुझे पैसे मिल गए। कुछ लोग हैं कि कमेंट कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग का क्या है कि मतलब उनके पैसे मिल गए, अब तो पैसे मिल गए ना, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, तो मतलब अब तो वो अपना रेस्पेक्टिव काम कर सकते हैं, उनका टेंशन खत्म हो गया। तो बात को समझने की कोशिश करिए कि मतलब इसलिए बहुत कम लोग होते हैं जो आके बताते हैं कि मुझे मेरे पैसे मिले, और ऐसे ही कुछ ये 7 लोग बताएं, ठीक है, एक लोग पर भरोसा नहीं किया, दो लोग पर नहीं किया, लेकिन 7 लोग तो बताए ना, तो ये बात सही है कि पैसे मिल रहे हैं। और अगर आपको जानना है, और इस वीडियो के बाद मुझे पता है कि बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि भाई मेरे पैसे नहीं आ रहे हैं, मेरे पैसे इन लोगों के तो मिल गए, मेरे पैसे कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्या टाइम, और ये भी पूछेंगे कि हाँ किस दिन आएगा, कब टाइम बताओ कि कब आएगा, किस दिन आएगा, और ये भी पूछते हैं कि मेरा पेमेंट अप्रूव हो गया नहीं आया, और मेरे पैसे डूब गए, ऐसे ऐसे मत लिखना। देखो अगर आप टाइम पूछोगे, कुछ भी टाइम क्लियर नहीं है इस वेबसाइट में, कि कुछ भी क्लैरिटी नहीं है कि कब पैसे आएंगे कब नहीं आएंगे, उस चीज़ का क्लैरिटी नहीं है। लेकिन एक चीज़ बता सकता हूँ, अगर आपके पास जो आपका पेमेंट आईडी है, ठीक है, पेमेंट आईडी है, तो आप रेजर पे या फिर पेयू से, आप अगर रेजर पे का पेमेंट आईडी है तो रेजर पे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो पेमेंट आईडी देके अपने रिफंड मांग सकते हो, लेकिन जो आप अर्न किए थे वो पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन रिफंड वापस जरूर मिल जाएंगे, अर्निंग वाले नहीं, जो आपके पैसे आप जो लगाए थे उतने पैसे मिल जाएंगे। अगर वेट करना चाहो तो कर सकते हो, आपके अर्निंग वाले पैसे भी मिल सकते हैं जो शॉपर्स अभी दे रहा है, ठीक है। और जो जो पेयू वाले हैं उनको भी पेयू से कॉन्टैक्ट करना है, वो लोग के तरफ से भी मिल सकता है पैसे, ठीक है, वो लोग रिफंड कर देंगे, लेकिन आपको जो अर्निंग था वो नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पेमेंट आईडी नहीं है तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लोगों का क्वेश्चन बहुत सारा रहने वाला है कि पेमेंट आईडी नहीं है मेरे पास, इसमें आप क्या कर सकते हो। देखो आप ना रिजर्व पे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ना पेयू से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि पेमेंट आईडी ही मेन चीज़ है, उसी से मतलब आपने कितने पैसे दिए वो पता चलता है, ठीक है, तो वो ही चीज़ नहीं है। तो आप देखो अब आपके पास कोई चारा नहीं है, आप या तो सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हो, #TheShopperScam अपने पोस्ट कर सकते हो, इस चीज़ से आपको मिल सकता है, या फिर और एक चीज़ है, आप वेट कर सकते हो, क्योंकि जैसे देख रहे हो अभी जो मेरे को प्रूफ मिला, उन्होंने कुछ किया नहीं था, ठीक है, और सोशल मीडिया से भी उनका कुछ हुआ नहीं था, उन्होंने उनका अपने आप आया है, तो आपको ऐसे ही वेट करना होगा अगर आपके पास पेमेंट आईडी नहीं है। लेकिन अगर आईडी है तो रिजर्व पे पेयू वाला ट्राई कर सकते हो, आप उनसे रिजर्व पे पेयू वाला साइट पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहां से आपको मिल सकता है पैसा, ठीक है।
सो इस वीडियो में बस इतना ही, मैं इस वीडियो में इतना ही दिखाना चाहता था कि पेमेंट मिल रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आई होप आप लोग का जो टेंशन है वो कम हुआ होगा, डिप्रेशन कम होना चाहिए। और देखिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा लोग, देखिए कम, बहुत कम लोगों के, मैं मानता हूँ बहुत कम लोगों के पैसे अभी मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो लोगों लोग हैं जो जिनके पैसे फंसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, लोग बहुत सारे लोग हैं, तो इस वेबसाइट को अभी भी बहुत पैसे देने हैं। इसलिए आप सोशल मीडिया को बिल्कुल ना छोड़े, अभी भी आप ट्रोल करते रहिए शॉपर्स ऐप को, ट्रोल करिए, तभी सोशल मीडिया का अभी भी मत छोड़िए, ठीक है, सोशल मीडिया छोड़िए मत जब तक आपके पैसे मिलते नहीं हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, सो लास्ट में इतना ही बोलना चाहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।